बाईस नहीं तारीख सारे को लोग कुछ होगा? नहीं, हम लोग तो बस यही कि यहाँ बैठ के टीवी पे देखेंगे और भगवान का जो भी गुणगान होगा उसमें शामिल होकर गुणगान। दीपक जलाना है? हाँ, दीपक तो जलाएंगे। जो दिवाली मनाना है वो तो हम अपने घर मनाएंगे, जैसे कोई कार्यक्रम नहीं होगा, लेकिन हम जैसा सारे हिंदुस्तान वासी जो करेंगे कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में हम यही कहेंगे कि सब लोग एकजुट होके और भगवान श्री राम का गुणगान गाए। और श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि एक मंदिर अगर वहाँ बना है 1000 करोड़ की लागत से, जो हमने सुना दिल से भगवान मानते रहेंगे, और दिवाली तो हम मनाते ही है। अगर कल लोग सारी दुनिया अगर दिवाली मना रही तो हम लोग बी ए बी कॉम बी एस सी एम ए एम कॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सिवान। संपर्क नंबर 8399 43151। आधार कार्ड इशू हो चुका है, चारों सील हो चुका है बॉर्डर, तो हम लोग दूर से ही श्री राम भगवान की पूजा कर लेंगे। यहाँ पे कुछ तैयारी रखेंगे उस दिन के लिए? सारे नहीं, हम लोग तो बस यही कि यहाँ बैठ के टीवी पे देखेंगे और भगवान का जो भी गुणगान होगा उसमें शामिल होकर गुणगान करेंगे। दीपक जलाना है? हाँ, दीपक तो जलाएंगे। जो दिवाली मनाना है वो तो हम अपने घर मनाएंगे, जैसे कोई कार्यक्रम नहीं होगा, लेकिन हम जैसा सारे हिंदुस्तान वासी जो करेंगे कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में हम शामिल। धर्म की परंपरा, सनातन धर्म जो हम लोग का चला आ रहा है उसके साथ तो हम लोग कभी भी खड़े हैं। राम मंदिर के बारे में क्या लगाव देखी जाती है? धार्मिक कार्यों में लगातार जीवन यादव की सहभागिता। देखिए, हम सनातन धर्म को मानते हैं, इसलिए धार्मिक कार्यों में हम हमेशा बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते रहेंगे। 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है भगवान श्री राम की, उसको क्या कहेंगे? उसमें यही कहेंगे कि सब लोग एकजुट होके और भगवान श्री राम का गुणगान गाए। और श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि एक मंदिर अगर वहाँ बना है 1000 करोड़ की लागत से, जो हमने सुना है, तो एक पूरे अयोध्या में एक मंदिर के चलते रोजगार योजना तो बढ़ेगा ही, क्योंकि जो भी पर्यटन आएंगे तो जाहिर सी बात है कि छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ी जो हम लोग लगा के अपना सेवा, गरीब लोग अपना दुकानदारी करते हैं, वो फूल बेचने वाला, ठेला वाला, कुलचा वाला, जो भी व्यवस्थाएं बढ़ेगी वो घटने वाली नहीं। अच्छा है जीवन जी, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला सुनाया था कि वहाँ पे राम मंदिर बने तो देश के सभी लोगों ने, चाहे वो हिंदू मुसलमान, सबने स्वागत किया था, फिर बीजेपी इतना जल्दी उद्घाटन कर रही जब मंदिर कंप्लीट भी नहीं हुआ, आपको लगता है कि बीजेपी राजनीति कर रही है मंदिर के नाम पे? नहीं, इस पे हम सवाल इसलिए नहीं कुछ बोल पाएंगे क्योंकि बीजेपी क्या करे नहीं जानते। भगवान श्री राम की जहाँ बात आएगी तो हम सनातन धर्म से जुड़े हैं तो हम उनको तहे दिल, हम लोग भगवान मानते हैं तो उनको दिल से भगवान मानते रहेंगे। और दिवाली तो हम मनाते ही है, अगर कल लोग सारी दुनिया अगर दिवाली मना रही तो हम लोग भी दिवाली में शामिल रहेंगे। 22 तारीख को राम आएंगे, यही स्लोगन चल रहा है अभी 2 दिन पहले बिहार सरकार। नहीं, 22 तारीख को अयोध्या राम आएंगे ये हमने सुना है। राम तो है ये है, हर घर में, हर दिल में, हर कण कण में, इसमें है, आप में है, उनमें है, सब में राम। वही तो कह रहे हैं कि राम आएंगे, स्लोगन चल रहा है, अयोध्या में ही आएंगे। तो अभी 2 दिन पूर्व बिहार सरकार के मंत्री हैं तेज प्रताप यादव, उन्होंने कहा कि मुझे सपना आया और आके राम जी कहें कि 22 तारीख को हम नहीं आएंगे। इसका हमारे पास इस पे कोई कमेंट नहीं करेंगे, इस पे कोई कमेंट नहीं करेंगे, ये तो अलग मुद्दा है। भी तो आपने हमसे एक हिंदू नहीं है, मंदिर बनना जीवन या तो कितना सही दिख रहा है, मंदिर बना राम अयोध्या मंदिर जो वहाँ रोजगार योजना, जैसे हमारे एक सिवान में एक मंदिर है, गोपालगंज थावे मंदिर, बहुत छोटा सा मंदिर है, माँ का मंदिर है, लेकिन आप देखते होंगे उसके अगल बगल 150-200 दुकानें लगी हुई है, सब लोग उसी मंदिर के सहारे अपना इनकम, अपना परिवार जीवन यापन करते हैं। तो मंदिर बने या जो भी बने, माने हॉस्पिटल बने, मंदिर बने या कुछ भी बने, बनेगा तभी वहाँ रोजगार बढ़ेगा। फैक्ट्री बनेगा तो वहाँ अगल बगल में दुकानें बनेगी, कॉलेज बनेगा तो अगल बगल में दुकानें बनेगी, बस स्टैंड आएगा, टेम्पू स्टैंड आएगा, मंदिर होगी तो वहाँ स्टैंड आएंगे, दुकानें खुलेगी, तो कुछ बनेगा तभी रोजगार बढ़ेगा, सिर्फ जुमलेबाजी से कुछ नहीं होगा, कुछ भी बने। मोदी जी राम जी को लाए हैं ऐसा कहा जा रहा है, तो जब राम जी आएंगे, राम जी को लाए हैं, ये लाने वाले ये हैं, लाएंगे तो आखिर मेहुल चौकसी जो भागा रुपया लेके उसको कौन ले आएगा? ये तो अब तो बहुत बड़ा सवाल हो गया है। वो भागा, उसको कौन लेके आएगा? अपना ना, ये देखिए, ये तो बड़ा सवाल है, बड़े लोगों की बात है, हम लोग तो समाज सेवी है, कोई नेता है नहीं। एक और सवाल आपके चाहने वाले लोग हैं, वो लोग जानना चाहते हैं कि जीवन या तो कब जाएंगे अयोध्या? जरूर जाएंगे, देखने तो जरूर जाएंगे, ऐसा थोड़े जब खाली हो जाएगा, भीड़ भाड़ नहीं होगा, तो जब आसानी से जाके अगर भ्रमण किया जा सके उस समय आदमी आप भी जाइएगा, हम भी जाएंगे। कुछ गरीब ऐसे हैं लोग हैं, उनको भी दर्शन कराएंगे वहां का। व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था करेंगे। क्या व्यवस्था?
बहुत सारे गरीब लोग हैं जो अयोध्या जाना चाहते हैं, नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाते हैं, वैसे लोग के लिए व्यवस्था। अगर हमारे यहाँ जो लोग भी आएंगे और अपनी स्वेच्छा से आके, जैसे ये लोग आए अपनी स्वेच्छा से बोले कि मुझे आँख का ऑपरेशन कराना है, तो हमने करा है। अगर कोई आता है इच्छुक होके कि नहीं मुझे जाकर अयोध्या श्री राम मंदिर को देखना है, अभी नहीं बाद में, तो हम जरूर उनकी मदद करेंगे, उन्हें श्री राम मंदिर के जब जाने का व्यवस्था हम जरूर। चलिए अंतिम सवाल, नए साल के शुभ आगमन के बाद जीवन यादव जी का यह पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या संदेश होगा सिवान की जनता और बिहार की जनता? ये किस तरह का संदेश चाहिए आपको? आपका आगामी योजना क्या है राजनीति? मेरा कुछ नहीं है, हम हाथ जोड़ के जनता जनार्दन से आग्रह करेंगे कि जुमलेबाजों से दूर रहिएगा। और सिवान में देखिए, अयोध्या के नाम पे तो हम लोग यहाँ सुन ही रहे और बात वार्तालाप कर, कुछ ऐसा सिवान में भी हो, मंदिर बने, हॉस्पिटल बने, कुछ भी बने, चाहे कोई ऐसी व्यवस्था, कॉलेज बने या जो भी फैक्ट्री डाले, कुछ भी बनेगा तभी रोजगार आएगा। तो अपने जिला के लिए भी आप लोग कुछ सोचिए, अपने जिला के लिए सोचिएगा तो यहाँ भी रोजगार आएगा, और यहाँ भी रोजगार आएगा तभी हमारे जिले के लोग बाहर ना जाके यही अपने परिवार के साथ रह के जीवन यापन करें। ऐसी व्यवस्था के लिए आपको हाथ जोड़ के आग्रह करेंगे, जुमलेबाज नेताओं से दूर रहिए, ऐसी नेता, ऐसा नेता चुनिए जो सही मायने में जिला के लिए कुछ करना चाहता हो, अब कुछ किया हो, कुछ दिखाया हो। अच्छा जीवन यादव, अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर एमडी मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन एमबीबीएस डीएनबी जनरल सर्जरी दिल्ली लखीचंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखीचंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है, हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखीचंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़रिया रोड, सिवान।